जिसमें हमारे विवाह के तीन प्रयोग करें।
इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मैं नमस्कार। आज हमारे सर का जो थोड़ा सा नाम के सर का पिक्चर है, सर ने सर 1972 में मेरी कॉलेज से इन्फॉर्म किया था। उसके उपरांत सर BSST कॉलेज में प्राध्यापक करते आए और उसके बाद अनवरत बैंक को उठा कर मध्य में वो कुछ समय के लिए हर शायद कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। इसके अलावा सर ने अपनी जो PhD करी, सर को PhD उपाधि के लिए सर 84 है और सर ने कॉमर्स में BA करा 1990। वाणिज्य में या कॉमर्स में CSM यूनिवर्सिटी में BA मिले ही लोगों के लिए छात्र दीक्षा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
माननीय श्याम बाबू गुप्त जी, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अमन जी, एनईपी इंचार्ज सुनीता, आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्याम बाबू गुप्त जी की विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ विस्तार से। आपका जन्म 1991 में कानपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पिता स्वर्गीय रामचंद्र गुप्त जी धार्मिक तथा मधुर स्वभाव के थे। सॉरी 1951 और जो चीज जिसलिए आज हमने आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया है वो ये है कि आपने 1972 में डीएवी कॉलेज से ही एमकॉम की शिक्षा प्राप्त की तथा 1973 में विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज में वाणिज्य के प्रवक्ता नियुक्त हो गए। ऐसे अपने पूर्व छात्र को हम अपने बीच में पा करके गदगद हैं और धन्य हैं। तालियों की कड़कर बजती है। जैसा कि चमन जी ने बताया कि आपने 1984 में, बहुत सारे हम लोग शायद पैदा नहीं हुए होंगे, तभी आपने पीएचडी की उपाधि ग्रहण कर ली थी और डीलिट की उपाधि बहुत बिरले लोगों को नसीब होती है। आपने 2009 में ही डीलिट की उपाधि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकाग्र मानव दर्शन का अर्थशास्त्रीय स्वरूप एक विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर प्राप्त कर लिया था। आप न केवल सुधी विद्वान रहे हैं वरन आपने 1990 में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित होकर के हर सहाय महाविद्यालय के प्राचार्य पद को भी सुशोभित किया है और उसके बाद जब आपका प्रशासन में मन नहीं लगा तो पुनः अपने विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु सनातन धर्म महाविद्यालय में वापस लौट आए। केवल प्रशासन और शिक्षण में ही आपको निपुणता प्राप्त नहीं है, आप प्रारंभ से ही राष्ट्रीय सर्वेक्षण से जुड़ करके मानव सेवा के अपने दायित्वों का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। 1974 में आपने संघ का ओटीसी जो बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित कर लेने के बाद ये माना जाता है कि नहीं ये समर्पित व्यक्तित्व का स्वामी है, समाज के प्रति चिंतित है, उसको भी आपने कर लिया था 1974 में। 1989 में मानव सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए आपने राजनीति की ओर रुख किया और 1989 में आप राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कानपुर महानगर के 5 वर्षों तक जिला अध्यक्ष रहे। मैं इसमें विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि आप मूल्यपरक राजनीति को प्रारंभ करने वाले पुरोधाओं में से एक रहे हैं। तालियों से स्वागत किया समझौते करने का आदि हो जाता है। आपने कभी भी किसी पद की आकांक्षा किए बिना मूल्यों को वरीयता दिया है और किसी पद को महत्व नहीं दिया है। बहुत बड़ी चीज है। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने मूल्यों को लेकर के ही आगे बढ़ते रहे, उसी तरीके से उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आप मूल्य पर राजनीति के समर्थक रहे हैं। 2014 में आप विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज से प्राचार्य से सेवानिवृत्त होने के पश्चात ही छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में दीनदयाल शोध केंद्र के निदेशक रहे। बहुत बड़ा काम है क्योंकि किसी भी महापुरुष के विचारों को आगे बढ़ाना, समाज में विचार प्रसारित करना, प्रसारण करना बहुत बड़ा काम है। और जून 1921 में आप सेवा ग्रहण किया वहां से। अभी आपने चमन जी ने बताया 5 किताबें, मेरे पास जो जानकारी है उसमें एक और जोड़ दिया जाए, न केवल 5 वरन 6 पुस्तकों का प्रणयन भी किया है जो समाज, विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों के लिए समान रूप से उपयोगी है। हम अपने बीच में ऐसे अपने पूर्व छात्र, ऐसे
प्रशासक ऐसे शिक्षक को पढ़ करके धन्य गदगद है। और हम आपका हृदय से माननीय श्याम बाबू गुप्ता जी आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। ये सारा कार्यक्रम किस लिए किया गया है? ताकि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे ये बी कॉम फर्स्ट वन के एम कॉम प्रथम के विद्यार्थी हैं, ये हमारे पुरोधाओं से, हमारे समाज के नायकों से, आदर्शों से प्रेरणा ले सके। तो अब मैं और जो विद्वान जो हमारे अधिकारी है, चाहे वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हमारे ये इंडक्शन कार्यक्रम है, दीक्षा कार्यक्रम है, हमें यह मालूम होना चाहिए कि आपका जिस महाविद्यालय में जन्म हुआ है, ये कोई सामान्य आम विद्यालय नहीं है, ये ऐसा महाविद्यालय है जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों आपकी की तरह इस महाविद्यालय के छात्र रहे हैं। और इस जिस गौरवशाली परंपरा का निर्माण करते हुए जिस संस्कृति में पले बड़े हैं, उसी संस्कृति में आपको पलना पढ़ना है और उसके बारे में जानकारी देने के लिए आपके सामने मुख्य अनुशासक प्रोफेसर रजत कुमार जी अभी आएंगे और आपसे उद्बोधन देंगे। आपको नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 है, पहले में और अब क्या फर्क है, इस पर प्रोफेसर जगदीप सिंह बहुत जानकार है, वो आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। प्रोफेसर प्रवेश प्रभारी प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव जी, वो प्रवेश हम कहते हैं कि हमारे कॉलेज में एक बड़ा कॉलेज है, यहाँ कोई प्रभारी नहीं है, वो परंपरा चल गया, यहाँ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल एडमिशन, प्रिंसिपल स्पोर्ट्स, प्रिंसिपल कल्चरल, सारे अपने पूरे दायित्वों का निर्वहन पूरी ताकत के साथ और पूरे अधिकारों के साथ कर रहे हैं। तो प्रवेश प्रभारी मनोज श्रीवास्तव जी, तीन प्रोफेसर पंकज टंडन जी, प्रोफेसर पंकज टंडन जी हैं बच्चों, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। जो हमारी विशेष रूप से बच्चियां हैं, कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तत्काल अभी हमारी शिकायत निवारण के लिए कोई तकलीफ होती है आपकी, तो उसके लिए प्रोफेसर प्रवीणा त्रिपाठी जी, संजय प्रभारी डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी, सुधीर श्रीवास्तव जी प्लीज आप केवल आपको शैक्षिक ज्ञान से परिपूर्ण करना नहीं है, आपका चतुर्थ आपके व्यक्तित्व का चतुर्थ विकास करना है, उसके लिए आप शामिल होइए। तो जो भी रोवर्स और रेंजर्स हैं, पुरुष और बच्चियां, वो दोनों आप संपर्क करिए, आपको ये सेवाएं देंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी चंद्र सौरभ जी, कल जाइए चंद्र सौरभ जी, चंद्र सौरभ एनएसएस में क्या सिखाया जाता है, नॉट मी बट यू, यानी मैं नहीं आप, सबसे पहले समाज में आपको जब आप सेवा करते, भारत वर्ष की जो संस्कृति है वो कहती है कि यहाँ लेने से नहीं संबंधित है, देने से संबंधित है। जितना जो आदमी देगा समाज को वो उतना बड़ा हो जाएगा, कोई भी लेने वाला बड़ा नहीं हुआ, लेने वाले की यहाँ पूजा नहीं हुई, यहाँ किसकी हुई है, लेने वाले की। तदीज की क्यों सेवा हुई, तदीज क्यों आज तक ना रहे, उन्होंने अपना अपना शरीर ही दे दिया, सारे राक्षसों नाश करो, मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डी ले लो। तो एनएसएस में यही आपको सिखाया जाएगा, आपको एनएसएस में टीचर लेना है। एनसीसी प्रभारी प्रोफेसर सुनील अवस्थी जी, ये सांबो पैक है, सांबो पैक है, कहीं कोई दिक्कत होती है तो इन्हीं पास जाना होगा, राम मार हर चीज की अच्छी एनसीसी लेना है, एनसीसी लेना है तो इनके पास जाना पड़ेगा, कल्चरल एक्टिविटी करना है तो आपको इनके पास जाना ही पड़ेगा, इनके बिना यहाँ कोई काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो ये इसलिए इनको बिजनेस क्लास में काम हो गया।
बात की विचार करेंगे सुखी सुभाष जी, ये आपको कहते हैं जब तक आदमी जो जो आदमी और जानवर में क्या फर्क है, आदमी और जानवर में क्या फर्क है, सब इसको सुना लीजिए, संस्कृत में कहा गया होगा आदमी और जानवर में क्या फर्क है, आहार आहार निद्रा भय मनोरंजन बहुत सारी चीजें पुरुष जानवर में और आदमी में एक होती है, मगर क्या क्या फर्क होता है बिरल जी बता दीजिए, क्या क्या फर्क होता है जो जानवर में, साहित्य संगीत कला विभिन्न साक्षात पशु उच्च विधान तृणम न खादन्य जीव मानव तद भाग हेय परम जाती है, और जब वो सब अपनी जिम्मेदारियों का
मिल करके संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं तो सारा बड़े से बड़े कार्य आसान हो जाते हैं और संपन्न हो जाते हैं। तो आपको इसीलिए यहाँ बुलाया गया है कि आप ऐसे महान कार्य में परंपरा जहाँ की सांस्कृतिक खाती है, जहाँ का इतिहास बहुत ही समृद्ध है, उसमें आए हुए हैं, आप किसी सामान्य कार्य में आए नहीं आए हुए हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसके बाद भी अगर आप कभी किसी चीज से असंतुष्ट रहते हैं आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम फिर आपसे निवेदन करेंगे, बुलाएंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। हमें लगता है अब हमें ज्यादा बीच में नहीं रहना चाहिए क्योंकि विस्तार से ये सब लोग आपसे फिर वार्ता करेंगे, आप सामने आएंगे और फिर एक बार हम अपने मुख्य अतिथि का मैं बचनों से आपका कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मूल्यों को लेकर के हमारे श्याम बाबू जी ने अपने जीवन का निर्माण किया है, आप उनसे प्रेरणा लें और आप भी नीति तरीके से बन करके मूल्य की तरफ, कि जो गांधी जी कहते थे ना कि महत्वपूर्ण हमारा काम पहुंच के ये नहीं है, जो साधन है वो हमारे पवित्र है कि नहीं, हमने पवित्र साधनों का इस्तेमाल किया है कि नहीं, तो उन्हीं पवित्र साधनों को लेकर के आप आगे बढ़े हैं। मुझे लगता है कि आपके उद्बोधन के बाद आप उजस्वित होंगे, आप प्राणित होंगे, उत्प्राणित होंगे और आगे आप उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। मैंने ऐसे बताया था कि हर एक विद्युमान सभी राय रहती है, कोई इसमें ना पाए, जो सभी विद्यार्थियों को बात समझ में आती कि हमारे प्राचार्य जी हर समय आपके लिए उपलब्ध हैं, कोई भी समस्या हो आपके निदान की जाए। कार्यक्रमों में हमें बुलाते हुए अब मैं डॉक्टर यतीन सिंह को आमंत्रित करता हूं, जो कि नई शिक्षा नीति के बारे में आपको बताएं। सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं।
तो उसमें फैकल्टी ऑफ साइंसेज में हमारे पास बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स और रिसर्च है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स जिसके आपको इसकी सुविधा मिली। मैं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश अभी प्रस्तुत किया है और उसके अनुसार जो आपको विषय चयन करना है उसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अगर आप सेमेस्टर वन में जाएंगे तो उसमें पहला सब्जेक्ट जो है वो आप जो फैकल्टी चूज कर रहे हैं उससे आपको लेना है, दूसरा मेजर भी उसमें लेना है, तीसरा मेजर आप अपनी फैकल्टी से ले सकते हैं और दूसरे फैकल्टी से। तो ये तीन मेजर आपको ले लेने हैं। अब प्रश्न आता है माइनर का, तो माइनर आपको अपनी फैकल्टी से नहीं लेना है। जैसे आप लोग कॉमर्स से हैं तो आप लोगों को माइनर कॉमर्स का नहीं लेना है, शेष किसी भी फैकल्टी हमारे यहाँ जो पांच फैकल्टी है कॉमर्स छोड़ करके बची हुई चार फैकल्टी से आप कोई भी माइनर का चुनाव कर सकते हैं। माइनर का चुनाव करते समय दो विषयों पर विशेष रूप से ध्यान दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो चाहिए है उसका जो लाभ आपको मिल सकता है उसको समझने का प्रयास करें। माइनर रुचि के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर चुनाव करें, अर्थात अगर आपको स्केचिंग करना अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मुझे ड्रॉइंग करना अच्छा लगता है, तो आप अपनी हॉबी को थोड़ा एनहेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी तकनीकी चीज़ों को जानने के लिए माइनर के रूप में आप ड्राइंग एंड पेंटिंग का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप दूसरा जो आपका आधार है वो उपयोगिता होना चाहिए। उपयोगिता में आपको ये लगता है कि हम आगे चल के हमें कोई कॉम्पिटिशन देना है या इस तरह का काम करेंगे तो आप उसके लिए चुनाव कर सकते हैं। अपना पॉलिटिकल साइंस में जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या हिस्ट्री है, इस तरह की माइनर का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही मान लीजिए आपको कॉमर्स के हैं तो बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो आपके अर्थशास्त्र से संबंधित होते हैं, तो इकोनॉमिक्स के भी कुछ पेपर आपको प्रोवाइड हो सकते हैं, तो आप इकोनॉमिक्स का कोई पेपर यूज कर सकते हैं माइनर के तौर पर। को करिकुलर फिक्स है और इसके बाद आपको वोकेशनल जो भी आप यूज करेंगे वो आपको मिलेगा। अब आप जब सेमेस्टर वन में रहेंगे तो आपके पास जो विषय रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे, आपको इतने पेपर देंगे, छह पेपर आपको सेमेस्टर वन में देंगे और सेकेंड सेमेस्टर में पांच पेपर देंगे। अगर आप माइनर का चुनाव सेकेंड सेमेस्टर में करते हैं तो आपको पहले सेमेस्टर में पांच पेपर देंगे रहेंगे और सेकेंड सेमेस्टर में छह पेपर देंगे रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा माइनर विषय नहीं है, माइनर प्रश्न पत्र है। तो जब भी उसका चुनाव करें तो ये देखकर करें इस विषय का माइनर आप चूज कर रहे हैं उसमें कौन सा प्रश्न पत्र आपके लिए पढ़ने के लिए उपयोगी है। तो जब आप करेंगे तो इतने पेपर आपको देने होंगे। ये ध्यान रखिएगा को करिकुलर का टेस्ट है, वोकेशनल के मार्क्स का पैटर्न दूसरा है, उसमें विश्वविद्यालय परीक्षा नहीं लेता, महाविद्यालय ही अपने अनुसार जो भी वोकेशनल आपको दिया है उसका इंटरनल एग्जाम लेकर के और अपने परीक्षक के माध्यम से आपके नंबर देगा। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यदि इनमें से आपका कोई भी छूटता है पेपर तो फिर आपको बैक एक्टर के करेक्शन के लिए जाना पड़ेगा या आपकी मार्कशीट जो है तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक आप उस पेपर को क्वालिफाई नहीं। ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है, अब आपका वो व्यवस्था नहीं रह गई है जो पहले थी कि आप सोचते थे कि मार्क्स, कई बार क्या होता पिछली बार क्या हुआ कि जो मार्कशीट आई तो बच्चों में बड़ा भाग नहीं होता है, ग्रेड उनको जीरो मार्क्स हैं क्या है, फिर विश्वविद्यालय ने नंबर शो करना शुरू किया। तो आप ध्यान रखिए ग्रेडिंग सिस्टम इस तरह से चलेगा, आपके मार्क्स अगर 91 टू 100 के बीच में है तो आपको आउटस्टैंडिंग ग्रेड मिलेगा, मतलब ओ। अगर आपकी मार्कशीट में ओ है तो इसका तात्पर्य ये है कि आप इससे बहुत सुविधाजनक, अगर जीरो ग्रेड है तो आपके नंबर जीरो नहीं है, मतलब ये है कि आपके मार्क्स 32 से नीचे हैं, वो 31 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिए, इस ग्रेडिंग सिस्टम को समझें, उसके बाद अपनी मार्कशीट की व्याख्या करें तो आप भी परेशान नहीं होंगे और आपको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि किस पेपर में आपकी बैग लगी हुई है या किस पेपर के प्रश्न पत्र को आपको दोबारा देने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और डिवीजन जो पहले हम लोग डिवीजन वाला फॉर्मेट जब देखते थे तो डिवीजन आप उस तरह से नहीं है जैसे पहले होती थी कि 60% पे डिवीजन आपकी होगी, नहीं, अब 6.5 नहीं होगा तब आपकी डिवीजन फास्ट है, और अगर 5 to 6.5 है देन इट इज सेकंड, और थर्ड जो है आपकी फोर्थ
इंडिया उससे अधिक और 5 से कम GPA है। बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें जिससे कम से कम आपको जब आपका रिजल्ट मिले तो आपको पता हो कि आपकी मार्कशीट कह क्या रही है। हमको कई बार पता ही नहीं चलता हमारी मार्कशीट कह क्या रही है और हम ना बैक के लिए प्रिपेयर होते हैं ना हम और चीज़ों के लिए तैयार होते हैं। हमें पता ही नहीं होता हमें किसमें बैक भरना है किसमें नहीं भरना है। तो इस चार्ट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं है। आप ध्यान रखिए पासिंग क्राइटेरिया भी अलग अलग है पेपर के लिए। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, अगर क्वालिफाइड पेपर है तो उसके लिए आपकी मार्कशीट में क्यू होगा और अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो एन क्यू होगा। ये कोकरिकुलर में होगा और वोकेशनल में होगा। और इसमें ध्यान रखिएगा जो मुख्य विषय है मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको 40% मार्क्स लाने होंगे, सॉरी 33%। और जो आपके वोकेशनल और कोकरिकुलर है उसमें 40% मार्क्स लाने होंगे आपको, तब आप पास दिखाए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा प्रत्येक प्रश्न पत्र में 25-75 का कैटेगराइजेशन है। 25% मार्क्स जो है वो आपको टीचर देगा पर्टिकुलर पेपर पढ़ाने वाला। अगर मैं आपको कोई एक पेपर पढ़ा रहा हूँ तो मैं उस पेपर के 25% मार्क्स दूंगा। वो बाकायदा विश्वविद्यालय उसमें वेरिएशन बहुत हो सकता है 0-25 की अथॉरिटी है टीचर को। मैं आपको 0 भी दे सकता हूँ और मैं आपको 25 भी दे सकता हूँ, उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते। यद्यपि उसके कुछ मानक है, टीचर अपना प्रोजेक्ट ले सकता है, आपका वायवा करा सकता है, आपका क्लास में परफॉर्मेंस दे सकता है, आप कितना आ रहे हैं वो देख सकता है, तो उस आधार पे आपको 25 क्वेश्चन को नंबर देगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। 0 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक कुछ भी दे सकता है टीचर आपको, तो इसका बहुत ध्यान रखिए। और भले ही आपको ये लगे लेकिन सरकार ने ये व्यवस्था की कि इसमें अगर 0 भी है और अगर ओवरऑल आप ले आते हैं मार्क्स पास के तो आपको 75 में मान लिया आपकी 40 को कभी आप पास हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका CGPA बिगड़ जाएगा। तो ये जो 25 नंबर है जो टीचर के पास है तो उससे आप बातचीत करके अपना उसकी क्लास अटेंड करके उसके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस दे करके इन नंबरों को बढ़ा सकते हो और 25 में 25 ले सकते हो। तो मैं आशा करूंगा जितने लोग यहाँ पर हैं वो 25 में 25 नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला और ग्रेस मार्क वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा है। आप सोचिए कि 32 है तो एक नंबर अगर ग्रेस मार्क मिल जाएगा और मैं पास हो जाऊंगा तो वो कोई संभावना नहीं है। फिर ये ध्यान रखिएगा आपने जैसे ही पेपर दिए आप अगर और सेमेस्टर में हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपकी बैग लग गई है कोई समस्या नहीं, आप सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बेझिझक पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे तो जिसमें आपकी बैग लगी है वो पेपर आप पूरे पा लेंगे। थर्ड ईयर में आप प्रमोट नहीं होंगे अगर आपने फर्स्ट ईयर के सारे पेपर क्वालिफाई नहीं किए। मतलब ये है कि पहले दोनों सेमेस्टर्स में अगर आपने प्रॉपर मार्क्स नहीं लिए हैं, आप क्वालिफाई नहीं दिखा रहे हैं आपकी मार्कशीट, तो फिर आप थर्ड ईयर में प्रमोट, सेकेंड ईयर तो चलेगा आपका, आप बैच देते रहिए आप क्लियर करते रहिए। फिर भी ध्यान रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है लेकिन कि बैक पेपर भी देने के लिए आपको 3 साल नहीं मिल सकते। 3 साल के बाद ये नहीं होगा कि आप बैच देते रहे बार बार, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मल्टी एंट्री मल्टी एंट्री क्योंकि एंट्री में है तो आप ये आपको सुविधा है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपको 2 वर्ष दिए और उसके बाद आप चले गए या किसी कारणवश आप अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए तो आपकी क्रेडिट स्कोर सेफ रहेगा। आप 2 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद आइए फिर वहीं से शुरू करेंगे। ये नहीं होगा कि आपको दोबारा एडमिशन लेकर के पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। फर्स्ट है लास्ट ठीक। और इम्प्रूवमेंट परीक्षा आंतरिक परीक्षा में नहीं होगी, जो इंटरनल एग्जाम है उसके मार्क्स वही रहेंगे। बैक पेपर जब भी आप देंगे सिर्फ और सिर्फ आप थ्योरी का पेपर देंगे, इंटरनल में आपके वही मार्क्स जोड़ेंगे। मतलब आप ये है कि आपने सेकेंड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स दिया थर्ड सेमेस्टर के साथ में तो इंटरनल नंबर आपके वही वाले रहेंगे जो पिछली बार थे, सिर्फ थ्योरी के मार्क्स आपके ऐड होंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ये ध्यान रखेंगे तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी
और जो एनईटी का लक्ष्य है कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर लेके जाना, इस व्यवस्था में क्या है?